नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंदूस गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, रेनी सीजन एंजॉय कर रहे होंगे और खूब प्लांट्स भी लगा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा जनाडो का प्लांट था जो इस बार गर्मी की मार सबसे ज़्यादा इस पर पड़ी थी। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसमें दिखाया था कि उसकी क्या कंडीशन हो रही है। तो अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि इसको रिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि मुझे ध्यान आया कि जब से मैंने इसको लगाया है, लगभग 2.5-3 साल हो गए हैं, तब से मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। तो मैं इसकी मिट्टी हटा ही रही थी और मैंने लगभग मिट्टी हटा दी थी, और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि इसकी जड़ें देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी इसकी जड़ें हो गई हैं, ये आप देख रहे हैं। तो मैंने बहुत अच्छा सोचा कि इसको रिपोर्ट कर दूँ, क्योंकि रेनी सीजन में हम प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है इसकी वजह से ही इसकी ये कंडीशन हुई है, क्योंकि इनको बढ़ने के लिए प्लांट्स में स्पेस, गमले में स्पेस नहीं मिल रहा था और बिल्कुल ये इस गमले में जकड़ गया था। तो अब मैं इसको गमला भी ये वाला दूंगी, सीमेंट का गमला है ये, पहले प्लास्टिक के गमले में था, और इसका सॉइल मिक्सचर भी दूसरा बनाऊंगी और इसकी जड़ों को कुछ मैं ट्रिम कर दूंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी जड़ें इसकी हो रही हैं। तो चलिए फिर आपको दिखाती हूँ जड़ों को काटने के बाद, पहले मैं इसको पानी से साफ करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसके रूट्स को धो दिया है, देखिए मैंने इनको वॉश कर दिया है। तो अब नीचे से लगभग आधी आधी जड़ें मैं इसकी यहाँ तक लगभग काट दूंगी, और काटने के बाद फिर मैं गमले में लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी रूट्स को काट दिया है और अब ये इस प्रकार का दिख रहा है। तो अब मैं इसको गमले में लगाऊंगी, और उससे पहले मैंने इस पर थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर का साफ का स्प्रे किया है, लिक्विड में ये बनाया था मैंने, और इस पर मैंने स्प्रे कर दिया है थोड़ा सा रूट्स पर, जिससे कि यदि कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम हो तो वो दूर हो। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इसको गमले में शिफ्ट कर दिया है और अब ये इस तरीके का दिख रहा है। और जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अब मैं इसको ऐसी जगह रखूंगी जहां इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले और ना ही इसको बारिश का पानी ही मिले अभी, क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है। मैं अभी बारिश के पानी से इसको बचाऊंगी और डायरेक्ट धूप भी नहीं पड़ने दूंगी, और ब्राइट सनलाइट में इसको मैं रखूंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और आई थिंक होपफुल लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग।